नाम तो सुना होगा। ओके, तो ये जामिल का जो पीसीबी है ना, इसका डीपी स्विच के ऊपर बात कर रहा था। ये पीसीबी के ऊपर 800 65 63, ये जो ई ब्रेकर दिख रहा है, इसमें चार स्विच है ऑन ऑफ। आप देखिए, एक बंद है, नंबर वन, 2 3 4 ऑन है, ठीक है। ये मॉडल पे ध्यान रख। तो उसका काम क्या है? वो बहुत ही खास काम क्या है, ठीक है। एक आपका नीचे है, बाकी सब ऊपर है, ठीक है, आपको दिख रहा है, ओके, है ना, ओके। तो आइए इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, ईसीबी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड, डीआईपी स्विच, सेटिंग एंड लिट इंडिकेटर्स, ओके ओके। S1 टेस्ट मोड के लिए, वो ऑफ होना है। ऑन टेस्ट मोड इनेबल, सिर्फ टेस्ट मोड के लिए उसको आप ऑन कर सकते हैं, वरना वो ऑफ रहेगा। S2 यानी कि जो डीपी स्विच का दूसरा जो नंबर है, दूसरा जो स्विच है, वो एक नंबर हमेशा ऑफ रहेगा, वो सिर्फ टेस्ट मोड के लिए। नंबर 2 लोड बैलेंस कंप्रेसर 1 and 2 ऑटो लीड लैग ऑन कंप्रेसर 1 लीड, यानी जब ऑन रहेगा तो कंप्रेसर 1 लीड करेगा, यानी कि जो फर्स्ट ऑन होगा वो कंप्रेसर 1 ऑन होगा, ठीक है। जो पहला जो कंप्रेसर ऑन होगा वो कंप्रेसर 1 ऑन होगा, ठीक है, कंप्रेसर 1 अगर स्विच ऑन रहेगा तो, ठीक है, ओके। तो नंबर जो 1 है वो टेस्ट मोड के लिए, नंबर 2 जो है आपका कंप्रेसर जो 1 है वो लीड करेगा, यानी फर्स्ट वो ऑन होगा, बाद में नंबर 2 होगा अगर, ठीक है, बाद में। नंबर 3 क्या है, ऑफ विदाउट पंप डाउन, अगर सोलेनॉइड वाल्व नहीं है तो वो ऑफ रहेगा, अगर सोलेनॉइड वाल्व है तो ऑन विद पंप डाउन ऑप्शन, अगर सोलेनॉइड वाल्व है तो वो डीपी जो 3 है आपका वो ऑन होगा, वो ऊपर होगा, नहीं तो फिर आपको ऑफ रहेगा, ठीक है, ओके। बाद में आपका हमारा कहाँ जाएंगे, इस पे 4 पे, डीपी स्विच जो 4 है उस पे जाइए। 4 पे क्या है, ऑफ सिंगल स्टेज, ऑन डुअल स्टेज, अगर 2 कंप्रेसर है तो ऑन होना है, और अगर सिंगल स्टेज का कंप्रेसर है तो ऑफ होना है, ओके। फैक्ट्री सेटिंग ऑफ डीपी स्विच, फैक्ट्री का सेटिंग यही है, फैक्ट्री के हिसाब से, ठीक है। बाद में यहाँ पर दिया भी है, देखिए डीआईपी स्विच का ऑन है, 1 ऑफ में है, 2 ऑन है, और 3 में कुछ दिया नहीं है, वो सोलेनॉइड के ऊपर डिपेंड है, अगर सोलेनॉइड वाल है तो उसको ऑन करना है, नहीं है तो वो ऑफ रहेगा, और एस फैक्ट्री से आपका 2 और 4 ऑन रहता है, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपको लाइट का दिया है, जो ग्रीन लाइट क्या है, पावर के लिए है, पावर ऑन ऑफ इंडिकेटर है, अगर जो पावर रहेगा तो आपको ग्रीन लाइट जलेगा, जो ये लाइट जो आपको दिख रहा है, ये लाइट, वो सनलाइट की वजह से, पता नहीं हमको तो दिख रहा है लेकिन पता नहीं वीडियो में, तो सनलाइट की वजह से, ठीक है, ओके। बाद में आपका है सिस्टम लॉक आउट ड्यू टू द सिस्टम फॉल्ट, अगर फॉल्ट रहेगा तो रेड लाइट जलेगा आपका, ठीक है, सिस्टम 1 फॉल्ट, ओके। ये भी आपका डायग्नोस्टिक है, तो वो भी आपका रेड, ये दोनों उसी का है, येलो, येलो अगर जब ब्लिंक करेगा स्लो तो एलपी स्विच लॉकआउट है, फॉल्ट है, एलपी स्विच, और ब्लिंक करेगा फास्ट तो एचपी स्विच फॉल्ट है, सिस्टम 2, ओके, ब्लिंक स्लो एलपी और ब्लिंक फास्ट एचपी, ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज और येलो दोनों का सेम है, यानी ये जो लाइट है, ये लाइट है जो है, ये दोनों स्लोली ब्लिंक करेगा तो वो लो प्रेशर में ट्रिप है, और फास्ट करेगा तो हाई प्रेशर में ट्रिप है वो, ओके ओके। और ये आपका लॉकआउट है, हाँ, ट्रिप का मतलब ये है, ट्रिप का क्या मतलब है, ट्रिप का मतलब वो 3 बार ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा, लेकिन जब रेड लाइट अब जल जाएगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट नहीं होगा, उसको रीसेट करना पड़ेगा, यही है, हाँ, येलो और ऑरेंज जब जलेगा तो 3 बार ऑटोमेटिकली वो ऑन होगा, वो उसको डिमांड देगा, किसी भी आउटपुट देगा कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर को, ये दोनों को जब जलेगा तो 3 बार ऑटोमेटिकली वो ऑन ऑफ होगा, लेकिन जब रेड लाइट जल जाएगा तो फिर वो आपका डिमांड नहीं देगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पे जाएं, HVACAMJADMJAD मिला के लिखें और सर्च करें, और यहां से आप सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।